हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूक्लियर रिएक्टर 2020 यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राजेश पासवान। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, क्योंकि ये वीडियो मॉर्निंग में शूट कर रहा हूँ मैं, और मॉर्निंग की वजह से ही एक बड़े ही अच्छे सॉन्ग पे मैं रैक करने जा रहा हूँ आज। और वो एक तिब्बतन रिलीजियस सॉन्ग है, पर है वो शायद हिंदी में, मैंने सुना नहीं, पर शायद वो हिंदी में ही है, क्योंकि मुझे जिसने रिकमेंड किया था वो यही बोल रहे थे कि वो एक थोड़ा रिलीजियस सॉन्ग है पर हिंदी में है। चलो जो भी है, देखते हैं क्या है सॉन्ग। और पर वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुँचती रहे। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो, देखते हैं कितना रिलीजियस सॉन्ग है, और ज़रा रिलीजियस है तो अपना मन भी प्रफुल्लित करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हर दिन उगने वाला सूरज अपने प्रसन्न किरणों से सृष्टि को उजागर कर देता है, बगैर सोचे कि कौन किस मजहब से जुड़ा है। जमीन अनाज उगलती है किसी भी हाथों से बोए हुए बीजों से। वर्षा जमकर बरसती है बिना सोचे कि कौन सा मोहल्ला किस मजहब का है। पेड़ फलते हैं फूलते हैं सभी जगह, और देते हैं अपने फल फूल सबको, और रखते हैं अपने छावों में सभी को। हवा बहती है सबके लिए, और नदी सबको कहती है आओ प्यास बुझाओ। और इसलिए दुनिया के हर व्यक्ति का हम सम्मान करें, चाहे वो किसी भी जाति का हो और किसी भी मजहब से जुड़ा हो, किसी भी पंथ का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, गरीब हो या अमीर हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी प्रांत का हो, किसी भी भाषा में व्यवहार करता हो, वो इंसान हो। इसलिए हर इंसान से प्यार करें, सभी मजहबों का सम्मान करें, विश्व को प्रगति की ओर ले जाने के लिए सभी धर्मों की समरसता को समझ लें, और मिलकर विश्व में शांति बनाए रखने की प्रतिज्ञा करें। ये बात सभी लोग समझ लें ना। पूरा काल से विद्योदगम भो आर्यवर्त महान केंद्र बुत संस्कृति गंभीर का चिर समृद्ध इतिहास निदान। अच्छी भाई की है। वो जो पुराना महाभारत था ना, उसके जो सिंगर थे, जो बीच में गाना गाते थे, कुछ ऐसी बात। भारत सभ्यता सिंधु के ओ, इस भारत सभ्यता सिंधु के ऋषि मुनि चिंतन के मंथन से उदार गंभीर धर्म दर्शन के पूजे रतन समान। साथ के लिए सब धर्म समान करे सभी का करे सभी का। वैदिक सांख्य योग वैशेषिक न्याय पूर्व उत्तर मीमांसा, तथा अवैदिक चैन बौद्ध चरवाक सदृश विपुला जिज्ञासा। भारत में ही उपजे मेरे गहन उदार परस पर विनिमय, सबके लिए से पर समान।
धर्म पंथ होते भी बाहर से भी हुए प्रविष्ट। ईसाई इस्लाम पारसी जीव बहाई सदृश अभीष्ट। सभी धर्म है शांति पगाती जग सम्मोहित पाप महान। राग द्वेष क्षमा करुणा को लक्षित करते हैं एक समान। परंपरा इस भारत पूजी हो, परंपरा इस भारत पूजी शब्द सहस्र वत्र प्रश्न। पश्चात समस्त विश्व हित साथ साथ सब धर्म विकास। साथ खिले सब धर्म समान करे सभी का हम सभी धर्म है शांति लक्ष्य को जाने वाले। सभी धर्म है शांति लक्ष्य को जाने वाले। जन समूहित मार्ग महा राग द्वेष दहना क्षमा करुणा मैत्र भ्रातृत्व सेवन को लक्षित करते हैं एक समान। परंपरा इस भारत की शत सहस्र वत्सर प्राचीन। दृष्टांत समस्त विश्व ही साथ साथ सब धर्म विकास। वाह सही में बड़ा अच्छा सॉन्ग था और सुबह सुबह मैं इस पर रैट कर रहा हूँ। सही में आज का दिन तो अच्छा जाएगा। वैसे कितना अच्छा मैसेज दिया उन्होंने कि वैसे ये रिलीजियस सॉन्ग भी लग रहा था, पेट्रियोटिक भी लग रहा था और यू नो थोड़ा ह्यूमैनिटी की सीख देने वाला भी लग रहा था। एक्चुअली क्या है कि धर्मों में पता नहीं लोग धर्मों को लेके इतना लड़ते क्यों रहते हैं। एक्चुअली होता ही है जो है ना, लड़ाई तब होने लगती है जब एक धर्म का फॉलोअर दूसरे धर्म के फॉलोअर्स को अपने से छोटा समझने लगता है। ये नहीं होना चाहिए। धर्म पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। इवन गवर्नमेंट को ना ऐसा मेरे हिसाब से लॉ निकाल देना चाहिए कि धर्म जो है वो एक पर्सनल चॉइस होगी। स्टेट कभी भी प्रमोट नहीं करेगा किसी धर्म को। इवन वो किसी भी धर्म के किसी फंक्शन में भी नहीं जाएगा। इक्वलिटी है, मतलब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगी, फंक्शन में नहीं जाएगी। धर्म एक पर्सनल चॉइस है, लोग पर्सनली फॉलो करें। और ये जो होता है ना कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोग को अपने से नीचे समझने लगते हैं, बोलते हैं हमारा धर्म सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊँचा है, जब ये आने लगता है ना तभी से लड़ाई हुई होने लगती है। और ज़्यादातर लोग तो ये मानना शुरू कर देते हैं कि जो मोक्ष है, भगवान को पाने का जो रास्ता है, वो सिर्फ हमारे धर्म के थ्रू ही जाता है, बाकी धर्म कहीं और लेके जाएंगे। ऐसा नहीं है, सभी धर्म एक ही जगह लेके जाएंगे, अलग अलग रास्ते हैं बस। तो जब तक लोग ये नहीं समझेंगे लड़ाई होती रहेगी। वैसे इस गाने से इतना तो मालूम पड़ गया कि अगर तिब्बत एक आज़ाद देश होता तो वो एक सेकुलर स्टेट तो पक्का होता, जहाँ सब धर्मों को इक्वली रिस्पेक्ट दी जाती है। बड़ा ही अच्छा मैसेज था। आई होप कभी ना कभी लोग समझ जाएं
धर्म को पर्सनली ही रखना चाहिए, किसी को थोपने की कोई जरूरत नहीं है, ना ना किसी को बताने की कि मेरा धर्म सबसे ऊंचा है। पर्सनली चॉइस है, आराम से फॉलो करते रहो। ये जब ना, और ऊपर से पॉलिटिशियन भी थोड़ा अपना करने लगते हैं ना, जब धर्म को लेके तो प्रोटेस्ट करने लगते हैं, तब भी चीज़ें खराब होने लगती हैं। सभी सभी तरह के सेकुलर स्टेट पे ना धर्म को लेके कोई पॉलिटिक्स होने नहीं चाहिए, और मतलब पॉलिटिशियन को तो बिल्कुल भी एंटर नहीं करना चाहिए किसी के धर्म के लिए। इवन लोगों पे छोड़ दो, वो अपने आप फॉलो करेंगे। तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, ना ही तुम्हें किसी फंक्शन पे जाना है। सबके लिए एक जैसा रहो कि तुम पॉलिटिशियन का काम है सिर्फ देश संभालना, सिर्फ वही करें। धार्मिक एंगल पे ना वो बोले, ना किसी भी धर्म के धर्म वो धार्मिक फंक्शन पे या किसी भी चीज़ पे जाएं। फिर ये शायद धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे और फिर लड़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि इस धर्म की लड़ाई में ना ह्यूमैनिटी खत्म हो जाती है। आसपास का माहौल तो आप लोगों ने दिखा ही है, कुछ ना कुछ सुनने को आ ही जाता है। पर चलिए छोड़िए, वो तो चलता ही रहेगा। ये सॉन्ग बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और थैंक यू जिन्होंने भी मुझे मतलब इस सॉन्ग के लिए रिकमेंड किया था। आपका कमेंट गलती से पता नहीं कैसे स्पैम में चला गया था, वो तो मेरी नज़र पड़ गई, मैंने देख लिया। अच्छा किया, बहुत ही अच्छा सॉन्ग था। चलिए अब इसी नोट पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय।